था कि हमने ऑब्जर्व किया कि नेशन वाइड मोस्ट ऑफ द होम्योपैथी जो कॉलेज है, स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें जो एजुकेशन का जो फंड एलोकेशन है, जो गवर्नमेंट का फोकस है, उतना ज्यादा नहीं है। सो हम इस एनजीओ के थ्रू उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहे। सो बेसिकली हमारा जो ये पर्पज था होम्यो सेंसेशन में कि एजुकेटिंग बडिंग होम्योपैथ्स, ये हमारा उसमें मोटो था। दिस इज रन बाय द डॉक्टर सुशील राजभर, हु इज होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन बेस्ड इन भोपाल, और मैं इसमें एज अ एडवाइजर हूँ। बेसिकली डॉक्टर सुशील को ही आ जाना था ये टॉक के लिए, बट ड्यू टू सम प्रोफेशनल कमिटमेंट वो टर्न अप नहीं हो पाए, सो मुझे आना पड़ा। बेसिकली होम्यो सेंसेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हियर वी इन दिस व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एनहांसिंग द नॉलेज एंड स्किल्स। स्किल्स वाला जो पार्ट होता है होम्योपैथ का, यहाँ काफी होम्योपैथ बैठे होंगे, कई सीनियर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ होंगे कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट में, कईयों की ऐसे प्राइवेट प्रैक्टिस भी होगी। सो उनको ये चीज आइडिया होगा कि ड्यूरिंग बीएचएमएस ट्रेनिंग जो होता है वो जो स्किल डेवलपमेंट होता है, कंपैरेटिवली जो क्लिनिकल स्किल्स बोलते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाता। इवन इंटर्नशिप जो होती है पोस्ट बीएचएमएस मोस्ट ऑफ द होम्योपैथी कॉलेज में बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। सो इसके लिए वी हैव स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, और जैसा कि आप देख पा रहे हो ऑडिटोरियम के दोनों साइड हमारी फ्लेक्स शीट है, जिसमें हमने कुछ कुछ डिटेल्स कोर्सेज के मेंशन किए हुए हैं। क्यूआर कोड भी है, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू विद अस एज अ, अगर आप एज अ स्टूडेंट भी कनेक्ट होना चाहते हो और एज अ फैकल्टी, इट इज गुड प्लेटफॉर्म। बेसिकली एक जो फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोसेस होता है कि AIPGT और आपकी UPSC मेडिकल ऑफिसर एग्जाम, उसके लिए तो वी प्रिपेयर यू पीपल अलोंग विद दिस। बेसिकली जो ड्यूरिंग द BHMS ट्रेनिंग होती है, वी कॉम्प्लीमेंट योर ट्रेनिंग इन दैट वे ऑल्सो। सो हमारा ये पर्पस होता है, बेसिकली अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वी हैव फैकल्टीज जो मॉडर्न मेडिसिन के एलोपैथी के फैकल्टीज हैं वो मेडिकल सब्जेक्ट्स वहाँ डील करते हैं, और जो होम्योपैथी के रिपीटेड फैकल्टीज हैं वो होम्योपैथी सब्जेक्ट डील करते हैं। मैं एक इंसिडेंट कोट करना चाहूंगा, व्हाई आई एम एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन।